चलो, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला वाला जो पहले क्लास में जो भी क्वेश्चन था, जो लास्ट लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको एक बार उसका एक बार रीकैप लेते हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सैचुरेशन भी हो गया था तुम लोगों का, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा तुम लोगों को, है ना? ओके, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज एल्गोरिदम वर्ड दिया था, एंड उसमें उन्होंने पहले क्वेश्चन में बोला था कि हाउ मेनी वोवल्स आर टुगेदर, सॉरी, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल सो दैट वोवल्स आर टुगेदर। तो हम लोगों ने क्या किया, टुगेदर मतलब उसका एक बॉक्स बनाया, ए ओ आई का एक बॉक्स बनाया। एक साथ चाहिए ना हमें वो वोवल्स, हमें क्या चाहिए, एक साथ चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसका एक बॉक्स बनाया जिसमें वो क्या है, एक साथ है। उस बॉक्स, वो बॉक्स भी अरेंज हो सकता है। कैसे अरेंज हो सकता है, ये बॉक्स जो है वो इधर जा सकता है, देखो ये बॉक्स जो है वो इधर जा सकता है, 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 इधर जा सकता है। मतलब ये बॉक्स इज नथिंग बट वन प्लेस। तो बॉक्स को पकड़ के कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, बॉक्स को पकड़ के देर आर 7 प्लेसेस। सो यस, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर विद दी 7 प्लेसेस? इट्स 7P7। ओके, 7P7। नाउ इनसाइड दी बॉक्स, ये तो हो गया बॉक्स के बाहर, लेकिन बॉक्स के अंदर भी ए ओ आई अपने आप को इंटरचेंज करेंगे, है ना? बॉक्स के अंदर भी ए ओ आई अपने आप को इंटरचेंज करेंगे। तो कितने लेटर्स है वहां पे, 3 लेटर्स, 3 प्लेसेस। सो कैसे होगा अरेंजमेंट, 3P3, 7 ऑब्जेक्ट्स, 7 प्लेसेस, 7P7, 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 प्लेसेस, 3P3। सो 7P7 इंटू 3P3 विल गिव यू व्हाट? पी का अपन ने फॉर्मूला देखा था, NPR क्या होता है, एन फैक्टोरियल। NPR देखा था ना अपन ने, NPR क्या था, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा ये, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 0 फैक्टोरियल, 3P3 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, कितना है फिर ये, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, विच कम्स आउट टू बी 5040 इनटू 6। ऑल राइट, ओके, सो दिस इज द आंसर, 30240। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, कोई भी वॉवल्स एक साथ नहीं चाहिए। तो पहले मैंने देखा वॉवल्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, हमें वॉवल्स टुगेदर नहीं चाहिए। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, ओके, मतलब ए ओ आई सब अलग अलग चाहिए। ओके, वॉवल्स आर नॉट टुगेदर एंड नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, दोनों में डिफरेंस है। वॉवल्स आर नॉट टुगेदर एंड नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर मतलब ए ओ आई सबके सब अलग अलग है, ठीक है? तो कॉन्सोनेंट्स है अपने पास एल जी आर टी एच एम, सो एल जी आर टी एच एम, कितने कॉन्सोनेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट्स आर देयर, है ना? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, 6 कॉन्सोनेंट्स आर देयर, एंड हाउ मेनी प्लेसेस, 6 प्लेसेस आर देयर, 6 कॉन्सोनेंट्स, 6 प्लेसेस। तो क्या हो जाएगा फिर वो, 6P6, है ना? 6 कॉन्सोनेंट्स एंड 6 प्लेसेस, क्या हो जाएगा, 6P6। अब आते हैं वोवल्स की तरफ, वोवल्स हमें सेपरेटेड चाहिए, नो टू वोवल्स आर टुगेदर।
तो वॉवल्स कहाँ पे जाके बैठ सकते हैं? वॉवल्स दो कंसोनेंट्स के जगह पे जाके बैठ सकते हैं. ये जो एरोज है, दीज आर व्हाट पॉसिबल प्लेसेस फॉर वॉवल्स. ये जो एरोज है, दीज आर व्हाट पॉसिबल प्लेसेस फॉर वॉवल्स. वॉवल यहाँ पे भी हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, एंड पॉइंट्स पे भी हो सकता है ना. तो यस तो क्या हो जाएगा फिर? हाउ मेनी पॉसिबल प्लेसेस फॉर वॉवल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 प्लेसेस पे 3 वॉवल्स अरेंज होंगे. 7 प्लेसेस पे 3 वॉवल्स अरेंज होंगे, मतलब 7p3. n प्लेसेस पे r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, मतलब क्या हो जाएगा? npr. तो वैसे ही 7 प्लेसेस पे 3 वॉवल्स अरेंज होंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 7p3. क्या हो जाएगा? 7p3. ओके, तो हमेशा याद रखो 3p7 इज नॉट द राइट वे टू राइट. ये नंबर जो है ना, ये एन जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए. कोई कोई लोग 3p7 लिखते हैं, 3p7 गलत रिप्रेजेंटेशन, इट शुड बी 7p3. यहाँ पे हमेशा बड़ा नंबर आना चाहिए, यहाँ पे हमेशा छोटा नंबर आना चाहिए. ओके, सो इट शुड बी 7p3. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 7 × 7 − 3 × 7 − 4 × 4 × 6 × 0 ×. सो 7 इज वॉट 5040. 6 को कैसे लगेंगे? 6 × 5 × 4. यहाँ पे 4, तो 4 × 4 कट हो गया, तो कितना आया फिर ये? 15 1200. ठीक है, सो टेक्स्ट बुक के आंसर्स गलत है. ठीक है, टेक्स्ट बुक के आंसर्स गलत. अभी सेम वर्ड कंसिडर करो, विच इज एल्गोरिदम. क्वेश्चन है, कंसोनेंट्स आर एट इवन प्लेसेस. कंसोनेंट्स आर एट इवन प्लेसेस. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. कितने प्लेसेस है, उसमें से इवन प्लेसेस कौन से है, उसमें से कंसोनेंट्स कौन से है. ट्राई टू गिव मी द आंसर. Repetition is not allowed. अभी जो questions अपन करेंगे ना, उसमें assume that repetition is not allowed. ठीक है, तो देखते हैं फिर अभी क्या करने का. How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Which are the even places? First place, second place, third place, fourth place, fifth place, sixth place, seventh place, eighth place, ninth place. Even कौन से? 2, 4, 6, 8. These are the even places. और even places पे कौन चाहिए हमें? Consonants चाहिए, है ना? Even places पे क्या चाहिए हमें? Consonants चाहिए. Consonants occupy even places. There are how many even places? There are 4 even places. ठीक है, तो yes,
कॉन्सोनेंट्स कौन से है फिर? कॉन्सोनेंट्स आर एल जी आर टी एच एम 1 2 3 4 5 6 सिक्स कॉन्सोनेंट्स आर देयर एंड फोर प्लेसेस आर देयर. अब तुम लोग बोलोगे छह कॉन्सोनेंट्स है और चार प्लेसेस है तो कैसे अरेंजमेंट होगा? दो कॉन्सोनेंट्स तो बचेंगे, सही बात है ना. छह कॉन्सोनेंट्स है और इवन प्लेसेस कितनी है अपने पास? चार है, तो ऐसे कैसे चलेगा? दो कॉन्सोनेंट्स बच जाएंगे, चलता है. उन दो कॉन्सोनेंट्स को अपन ऑड प्लेसेस पे शिफ्ट कर देंगे. वो दो कॉन्सोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे? ऑड प्लेसेस पे शिफ्ट कर देंगे. हमें हमें ऐसा नहीं बोला है, हमें ऐसा बोला है क्या कॉन्सोनेंट्स ओनली ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस? नहीं, इवन प्लेसेस पे बस हमें क्या दिखना चाहिए? कॉन्सोनेंट दिखने चाहिए, ये अपना कंडीशन है. इवन प्लेसेस पे मुझे कॉन्सोनेंट्स दिखने चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन, है ना. तो फिर यस, इवन प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट दिखे तो कैसे होगा फिर? ये छह कॉन्सोनेंट्स चार प्लेसेस, है ना. सो देयर आर हाउ मेनी इवन प्लेसेस? फोर इवन प्लेसेस. सिंस दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. ओके, आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन खुद के वर्ड्स में लिखो. देयर इज नो मेथड एट सच, मेथड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. तुम अपने वर्ड्स में आंसर लिखो. ओके, सो देयर आर फोर इवन प्लेसेस एंड सिक्स कॉन्सोनेंट्स ठीक है. तो देयरफॉर यस, कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई फोर इवन प्लेसेस इन हाउ मेनी वेज? 6p4 6p4 ओके. अब ये चार प्लेसेस तो गई, ध्यान दो अच्छे से, चार प्लेसेस गई. टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स इन द वर्ड एल्गोरिदम आर 9. नाइन में से चार लेटर्स यहां पे अरेंज हो गए. नाइन में से चार लेटर्स यहां पे अरेंज हो गए, बचे कितने? पांच. पांच लेटर कहां पे अरेंज होंगे? बचे हुए प्लेसेस पे, दैट इज 1 2 3 4 5. सो पांच लेटर्स कहां पे अरेंज होंगे? पांच प्लेसेस पे. ओके, देयरफॉर रिमेनिंग फाइव लेटर्स will be arranged at five places in 5p5 ways. Okay, so consonants occupy four even places in 6p4 ways, then remaining five letters will arrange at five places in 5p5 ways. ठीक है. So yes, therefore total arrangements is equal to 6p4 into 5p5. क्या हो गया फिर ये? 6 factorial upon 6 minus 4 factorial 5 factorial 5 minus 5 factorial. कितना है फिर ये? 6 factorial upon 2 factorial एंड दिस इज हाउ मच? 5 factorial upon 0 factorial. तो क्या हो गया फिर ये? 6 factorial इज व्हाट? 720. 5 factorial इज व्हाट? 120. दिस इज 2. 0 factorial इज 1. तो कितना है फिर ये? 360 into 120. टेल मी हाउ मच इज दिस? आज देव अटेंड नहीं कर रहा है क्या? देव अटेंड नहीं कर रहा है? मानसी, मानसी इज देयर.
कितना आ रहा है आंसर? 4320। वेरी गुड, मैं एक आंसर दिया था ये। नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। ओ इज एट फर्स्ट एंड टी इज एट लास्ट। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। चलो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, टेक 1 मिनट। करेक्ट, अवधूत ने भी सही आंसर दिया है। अवधूत, क्या अब बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है लोगों को, अच्छा लगा मुझे देख के। ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है। किसके किसके मैसेज आ रहे? अवधूत आधी चुकीचा आंसर देतो नंतर बरोबर आंसर देतो। फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये सगळं यायला पाहिजे ना। करेक्ट, सो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस है, ठीक है अपने पास। लॉगरिथम, हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट प्लेस पे 0 चाहिए, लास्ट प्लेस पे टी चाहिए कंपल्सरीली। ओके, फर्स्ट प्लेस पे 0 चाहिए एंड लास्ट प्लेस पे टी चाहिए, ये तो फिक्स है, इनको अरेंज हम नहीं करेंगे। ये उन्होंने फिक्स कर दिया, हमने भी फिक्स कर दिया, इनको अपन अरेंज नहीं करेंगे। सो रिमेनिंग लेटर्स कौन से बचे? एल, करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7। रिमेनिंग लेटर्स, remaining 7 letters will be arranged at remaining 7 places in how many ways? In how many ways? 7p7 50, 7p7 मतलब कितना हो गया वो? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल व्हिच इज 5040। डन, ओके, इट इज व्हाट? 5040। अंडरस्टूड? परम्यूटेशन, 7p7 परम्यूटेशन, लास्ट क्लास में हमने सीखा है ये सब, लेक्चर अपलोडेड है, डाउट है तो देखो एक बार फिर से। मैंने बताया था
n objects are to be arranged at r places, then how do we do it? np r. बताया था ना ये, उसका फॉर्मूला भी बताया था, n factorial upon n minus r factorial. Don't forget. ठीक है. In a group photograph, question number 7. क्या है? Proper लिख रहे हैं question, short form में. In a group photograph, 6 teachers are in first row. 18 students are in second row. Okay. There are 12 boys and 6 girls among students. 18 mein kya hai? 12 boys and 6 girls. Okay. If middle position is reserved for principal, next information. Middle position reserved for whom? Principal. If no two girls are together, if no two girls are together, find the number of arrangements. चलो ये पूरा सिनारियो है, अब मुझे आंसर बताओ इसका. देखते हैं कौन से आंसर बताता है विथ लॉजिक. विथ लॉजिक चलो ट्राई टू सॉल्व इट. नो टू गर्ल्स आर टुगेदर किया था ना हम लोगों ने अभी. नो टू वॉवल्स आर टुगेदर. दो ही रो है, दो ही रो है. प्रिंसिपल इज इन द मिडिल पोजिशन अमंग द टीचर्स. यस, पहले रो में टीचर के साथ बैठा हुआ है प्रिंसिपल और वो मिडिल पोजिशन में है. ठीक है. अब इसका वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी मैं. ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखो. हाँ, क्वेश्चन मत रिपीट करो, आंसर बताओ. दो ही रोज है, पहले रो में टीचर बैठे हुए हैं, टीचर में मिडिल में प्रिंसिपल बैठे हुए हैं और पीछे वाले रो में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. एंड इन दैट केस नो टू गर्ल्स आर टुगेदर उन्होंने बोला हुआ है. ऑल्टरनेटिंग का और नो टू आर टुगेदर का डिफरेंट मीनिंग है. No two girls are together मतलब दो लड़के एक साथ हो सकते हैं लेकिन लड़कियां एक साथ नहीं बैठेगी, ये मीनिंग है उसका. टू, no two girls are together का मीनिंग क्या है? लड़के एक साथ बैठ सकते हैं लेकिन लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती. सेम अरेंजमेंट एज इन, दोनों रो में सेम अरेंजमेंट मतलब. अरे भैया मैंने बताया ना, क्या बताया मैंने, पहले रो में कौन है? 6 टीचर्स है, उसमें एक प्रिंसिपल बैठेगा बीच में. ठीक है, उसका पोजीशन तो फिक्स है, तो प्रिंसिपल को तो एनीवेज हमें अरेंज नहीं करना है. दूसरे रो में आओ, दूसरे रो में क्या होगा? दूसरे रो में 12 स्टूडेंट्स है, सॉरी 18 स्टूडेंट्स है, उसमें से 12 बॉयज है ना.
12 बॉयज में वो 6 गर्ल्स भी है, तो 6 गर्ल्स के ऊपर कंडीशन है कि वो एक साथ नहीं बैठेगी। कंडीशन किस पे है? वो 6 गर्ल्स पे है। क्या है कंडीशन? कि वो एक साथ नहीं बैठेगी। तो लगाओ दिमाग, पहले फर्स्ट रो के बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट रो, व्हाट कैन आई से, फर्स्ट रो में कौन है? 6 टीचर्स एंड 1 प्रिंसिपल, एंड 1 प्रिंसिपल। तो ये 6 टीचर्स हो गए और बीच में एक प्रिंसिपल हो गया, ये तो फिक्स है ना? पोजीशन फॉर प्रिंसिपल इज फिक्स्ड। ओके, तो बचे कौन? 6 टीचर्स बचे। तो 6 टीचर का अरेंजमेंट कितने वेज में होगा? 6 टीचर्स मतलब 6 टीचर्स एंड 6 प्लेसेस, है ना? सो 6 टीचर्स will be arranged on 6 places. अरे छे कैसे होगा? 6 people will be arranged on 6 places. In how many ways? 6p6 ways. कितना हो जाएगा वो 6p6? 6 factorial upon 6 minus 6 factorial, which is 720, चेक करो। ये हो गया पहले रो के बारे में। अब आते हैं दूसरे रो पे, फॉर सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या है? 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। किसी का भी आंसर नहीं आया इसका। 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, ओके। तो यस, तो क्या हो गया फिर इसका मतलब? कंडीशन क्या दिया हुआ है? नो टू गर्ल्स विल सिट टुगेदर। नो टू गर्ल्स विल सिट टुगेदर। है ना? तो इस क्वेश्चन को हमने पिछली बार कैसे सॉल्व किया था? पहले 12 बॉयज को फिक्स कर लिया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और ये गर्ल्स हमें टुगेदर नहीं चाहिए, तो उनके पॉसिबल प्लेसेस क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ गड़बड़ है क्या? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 बॉयज है और 6 गर्ल्स है। तो एरो रिप्रेजेंट्स व्हाट? पोजीशन फॉर गर्ल्स। डैश रिप्रेजेंट्स व्हाट? पोजीशंस फॉर बॉयज। किसके ऊपर कंडीशन है? गर्ल्स के ऊपर कंडीशन है। तो मैंने पहले बॉयज को फिक्स कर लिया, गर्ल्स के ऊपर कंडीशन था ना, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। मतलब कंडीशन किसके ऊपर था? गर्ल्स के ऊपर कंडीशन था। तो मैंने क्या किया, किसको फिक्स कर लिया? मैंने बॉयज को फिक्स कर लिया। कैसे फिक्स कर लिया? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 बॉयज ना, तो 12 प्लेसेस को मैंने फिक्स कर लिया। अब बचे कितने प्लेसेस? बचे कितने प्लेसेस? गर्ल्स हमें टुगेदर नहीं चाहिए, तो गर्ल्स कहाँ पे जाके बैठ सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्लेसेस पे जाके गर्ल बैठ सकती है। ओके, सो नंबर ऑफ वेज फॉर सेकेंड रो कितने हो जाएंगे? बॉयज के कितने हो गए? 12p12। और गर्ल्स के कितने हो गए? 13 प्लेसेस पे। एरोज मतलब गर्ल्स के पॉसिबल प्लेसेस है। एरोज मतलब क्या है? गर्ल्स के पॉसिबल प्लेसेस। तो वो एरोज पे 13 प्लेसेस है। एरोज को काउंट करो, दीज आर 13 प्लेसेस। तो 13 प्लेसेस पे 6 गर्ल्स जाके बैठेगी, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 12 फैक्टोरियल इनटू 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 6 फैक्टोरियल।
कितना हो जाएगा ये 12 फैक्टोरियल इनटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखो, कैलकुलेट मत करो, इतने बड़े बड़े नंबर कैलकुलेट नहीं करते, तुम टेक्स्ट बुक में देखो यही आंसर होगा, ऐसे टर्म्स में आंसर होगा। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट रो और सेकेंड रो का अलग अलग कैलकुलेट किया है ना, तो इसको अपन एक साथ लेते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि एट अ टाइम अरेंजमेंट हो रही है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो की एट अ टाइम अरेंजमेंट हो रही है ना, तो कैसे होगा फिर ये, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू, ऊपर क्या था 720, मतलब बेसिकली ये क्या था 6 फैक्टोरियल था, है ना, 6 फैक्टोरियल इनटू 12 फैक्टोरियल इनटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, कितना हो गया ये 6 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 इनटू 6 फैक्टोरियल, तो ये और ये गया, फिर क्या बचा 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ऑल राइट, ओके। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, एनी डाउट, कुछ इश्यूज है तो बोलो, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड नंबर ऑफ वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज्ड, फाइंड नंबर ऑफ वेज the letters of the word history can be arranged. Number of arrangements of word history, if Y and T are together, and B is Y is next to T. चलो try to solve it. पहला condition क्या है? Y and T are together. चलो ट्राई टू सॉल्व इट, पहले का 720 गलत है, 720 into 2 is perfect, अवधूत, पर आप गलत आंसर 6 फैक्टोरियल मतलब,
ओके तो देखते हैं फिर वाई एंड टी आर टूगेदर ना. वाई एंड टी हमें क्या करना है, एक साथ लेना है. कितने लेटर्स है टोटल अपने पास, हिस्ट्री मतलब हाउ मेनी लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स, 1 2 3 4 5 Y and T हमें एक साथ चाहिए, तो इनको बॉक्स में बंद कर लिया है ना, इनको बॉक्स में रख दिया. अब बॉक्स को पकड़ के कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आर देयर. बॉक्स को पकड़ के कितने प्लेसेस है, 6 प्लेसेस आर देयर. तो 6 प्लेसेस एंड 6 ऑब्जेक्ट्स. ओके तो यस, कंसिडरिंग वाई टी एज ए ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. अभी मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, वो तुम थोड़ा वर्ड्स में लिख लेना बाद में, ठीक है. तो क्या हो जाएगा वाई टी को पकड़ के, सॉरी वाई टी इज वन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. 6 ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड देयर आर 6 प्लेसेस. सो क्या हो जाएगा, 6P6 इंटू, ये हो गया बॉक्स के बाहर वाली चीज. बॉक्स के बाहर वाली चीज है, लेकिन बॉक्स को पकड़ के अरेंज करना है, बॉक्स को कंसिडर करके अरेंज करना है. बॉक्स के बाहर वाली चीज है लेकिन बॉक्स को कंसिडर करना है. तो बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे फिर, 2P2. ये हो गया बॉक्स के बाहर 6P6 मतलब. बॉक्स के अंदर कितने हो जाएंगे, 2P2. सो हाउ मच इज दिस, 6 फैक्टोरियल into 2 factorial, what is that, 720 into 2, so how much is this, 1440, okay, 1440, understood, okay, any doubt, kuch problem hai, to bolo. ओके नेक्स्ट, उन्होंने बोला है वाई इज नेक्स्ट टू टी. वाई इज नेक्स्ट टू टी मतलब यहां पे ऑर्डर जो है वो फिक्स है. ऑर्डर फिक्स है मतलब बॉक्स के अंदर जो पहले 2P2 अरेंजमेंट हो सकती थी, 2P2 अरेंजमेंट क्यों हो सकती थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्लेस जो है वो चेंज कर सकते थे, इस वजह से 2P2 अरेंजमेंट पॉसिबल थी. लेकिन अब जब वो बोल रहे हैं बी में y इज नेक्स्ट टू t, उस केस में ये दोनों इंटरचेंज नहीं कर सकते. y इज नेक्स्ट टू t मतलब ये पोजीशन फिक्स है, इनका ऑर्डर फिक्स है. अभी बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट नहीं होगी. पहले अपन क्या करते हैं, जब भी टुगेदर वर्ड आता था अपन क्या करते थे, इसको बॉक्स में रखते थे, बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स करते थे और बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट्स करते थे. अभी बॉक्स के अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ बॉक्स के बाहर अरेंजमेंट होगा. कितने, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5. बॉक्स को पकड़ के कितने प्लेसेस, 6 प्लेसेस. कितने हो जाएंगे अरेंजमेंट्स, 6P6 विच इज 6 फैक्टोरियल. बॉक्स के अंदर होगी क्या अरेंजमेंट, नहीं. क्यों नहीं होगी बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है. क्या ऑर्डर दिया है उन्होंने, y इज नेक्स्ट टू t, ये अरेंजमेंट उन्होंने दिया हुआ है. तो कितना हो जाएगा फिर, 720 आ जाएगा, 720. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस इज द आंसर. ऑल राइट, देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है तो. ओके पक्का कोई इश्यूज नहीं है, पक्का कोई इश्यूज नहीं है, कोई इश्यूज हो तो बताओ. इज देयर एनी इश्यू,
आगे बढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल नाइन. अब क्या करना है हमें एग्जाम्पल नाइन में, फोर डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड. From digits, what? 1, 2, 4, 5, 6, and 8. If first is digit can be repeated. डिजिट कैन बी रिपीटेड, आसान ही नहीं है, फोर डिजिट है. ओके, फोर डिजिट है. यहां पे कितने वेज से जगह फिलअप हो सकती है, बाय हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वेज. ओके, हाउ मेनी पॉसिबल वेज, 6 वेज. Okay, next. यहां पे जो डिजिट यहां पे आया है वो यहां पे भी आएगा. Okay, जो डिजिट फर्स्ट प्लेस पे आया है वो अगले प्लेस पे भी आएगा. क्यू? Yes. Any doubt in this? और तो यहां पे 6 वेज हो जाएंगे. ओके, अगले प्लेस पे भी 6 वेज हो जाएंगे. कैसे 6 वेज हो जाएंगे? यस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है. अच्छा, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्वेश्चन. क्या? अच्छा, ये 10th है, सॉरी. यहां पे भी 6 आएगा, अब यहां पे भी 6 आएगा. क्यों ऐसा किया अपन ने? क्योंकि इन दिस केस रिपीटेशन इज अलाउड. मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था. क्या बताया था मैंने पिछले लेक्चर में? कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ही अपन एनपीआर का फॉर्मूला लगा सकते हैं. अगर रिपीटेशन अलाउड है तो अपन एनपीआर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते. अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ही अपन एनपीआर का फॉर्मूला लगा सकते हैं. अगर रिपीटेशन अलाउड, सॉरी, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो एनपीआर का फॉर्मूला नहीं लगाना है, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ही एनपीआर का फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, तो चलो फिर. तो यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 6 × 6 × 6 विच इज 1296. सेकेंड में डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. ओके, तो 4 प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है अपने पास, 4 प्लेसेस एंड 6 डिजिट्स. 6 डिजिट्स 4 प्लेसेस पे अरेंज करने, तो कैसे हो गए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे होंगे? 6p4. सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. सो हाउ मच इज दिस? 720 अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो कितना है फिर ये? 360. कितना है फिर ये? 360 है ना. कितने प्लेसेस है? 4 प्लेसेस. कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स. ओके, सो 4 प्लेसेस, 6 डिजिट्स. सो क्या हो जाएगा? 6p4. 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल व्हिच इज 720 अपॉन 2 फैक्टोरियल व्हिच इज 360. All right. Okay. Any doubt? चले फिर आगे. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? 6 नंबर्स और 6 डिजिट्स आर टू बी अरेंज्ड ऑन 4 प्लेसेस, है ना. 6 नंबर्स और 6 डिजिट्स आर टू बी अरेंज्ड ऑन 4 प्लेसेस बिकॉज हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है. तो क्या हो जाएगा? 6p4,
6 factorial upon 6 minus 4 factorial, which is 720 upon 2 factorial, which gives me what? 360. All right. Okay. Chale phir aage. Example number 9. Kya hai example 9? Find number of arrangements of the letters in the word Bermuda so that consonants and vowels are in the same relative positions. Kya bola unhone? Consonants and vowels are in the same relative positions. Okay. अब इसका ना पहले थोड़ा सा मीनिंग समझो. What do you mean by relative position? कोई तो भी वर्ड लेते हैं, जनरल वर्ड. ओके, इसके बारे में नहीं बताऊंगी, तुम इसका मुझे बताओगे. ये क्या है? BERMUDA ना. ओके, मान के चलो अपन सोहम का नाम लेते हैं, सोहम. ओके, रिलेटिव पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा? यस, रिलेटिव पोजीशन मतलब क्या होता है कि तुम यहां पे यहां पे यहां पे कॉन्सोनेंसी रखोगे. हाँ, बट एक हो सकता है, एच यहां पे आ सकता है, एस यहां पे आ सकता है, एम यहां पे आ सकता है. मतलब ये तीनों एक दूसरे की जगह जो है वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, यहां पे वॉवेल ही आएगा, बट ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर सकते हैं. समझ में आ रही बात? यस, गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रही हूं, मानसी का नाम लेते हैं. चलो मानसी. तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स आर सेम, इसका मतलब क्या होता है? ये जो है कॉन्सोनेंट्स, ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वॉवल के जगह पे नहीं आएंगे. वॉवल्स जो है वो आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कंसोनेंट्स की जगह पे नहीं आएंगे. ठीक है, अवधूत का नाम लेते हैं. विच आर दी कंसोनेंट्स? वी, डी, एच, टी. ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वॉवल्स की जगह पे नहीं आएंगे. वॉवल्स किधर है? ये वॉवल्स है. ये वॉवल्स आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कंसोनेंट्स की जगह पे नहीं आएंगे. ये उसका मीनिंग है रिलेटिव पोजीशन का. तो अब मुझे बताओ यहां पे वेयर आर दी कंसोनेंट्स? 1, 2, 3, 4, ये चार जगह पे कंसोनेंट्स है. ठीक है, ये चार जगह पे क्या है? कंसोनेंट्स है. तो कंसोनेंट्स कौन से है? बी आर एम डी. वॉवल्स कौन से है? E, U and A, है ना? तो कॉन्सोनेंट्स अपनी जगह आपस में कितने वेज में चेंज कर सकते हैं? 4P4, सही है ना? चार कॉन्सोनेंट्स है, चार प्लेसेस है, चार कॉन्सोनेंट्स है और चार प्लेसेस है. 4P4 इंटू इतने वॉवल्स है, तीन वॉवल्स है और तीन प्लेसेस है. रिपीट 3. तीन वॉवल्स है और तीन प्लेसेस है. वो आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कंसोनेंट की जगह पे नहीं आ सकते, है ना? तो कितना हुआ फिर ये? 4 factorial upon 4 minus 4 factorial 3 factorial upon 3 minus 3 factorial. So 4 factorial upon 0 factorial 3 factorial upon 0 factorial. तो कितना हो गया? 4 factorial 24. 0 factorial तो 1 होता है. 3 factorial कितना हो गया? 6 हो गया, है ना? 4 factorial का वैल्यू क्या है? 24. कैसे? 4 into 3 into 2 into 1. 3 factorial का वैल्यू क्या है? 6. 3 into 2 into 1. Okay. So how much is this? 144. 144. Done. Check it out.
डन। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 11। पहले तुम ट्राई करोगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition, so that resulting numbers are between 100 and 1000, so that resulting numbers are between 100 and 1000. चलो कोशिश करो, सोचो जरा 100 and 1000 के बीच में कितने नंबर्स है, मतलब हाउ मेनी डिजिट नंबर वी नीड टू फॉर्म, कितने डिजिट का नंबर हमें बनाना है, बताओ कितने डिजिट का नंबर हमें बनाना है। करेक्ट, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, ऑल राइट, क्योंकि 100 and 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर आता है, ओके 3 डिजिट नंबर। Try to solve this. Hundred is the perfect answer, Parag. Very good. कैसे किया बताओ जरा, लॉजिक क्या है तुम्हारा, tell me fast. वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ पर परम्यूटेशन के फॉर्मूला से कैसे करोगे, परम्यूटेशन के फॉर्मूला से कैसे करोगे, व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग, वो तो अपन ने सीखा है ऑलरेडी, इतने इतने वेज हर एक प्लेस पे नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना, वो तो हम लोगों ने सीखा है ऑलरेडी, लेकिन परम्यूटेशन का फॉर्मूला कैसे लगाओगे यहाँ पे, yes, पहली प्लेस जो है फर्स्ट प्लेस, हाउ मेनी वेज फर्स्ट प्लेस, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिजिट्स वन प्लेस, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, 5P1, 5 डिजिट्स वन प्लेस, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, 5P1, ऑल राइट, ओके नेक्स्ट 2 places, अब यहां पे जो भी नंबर आया है उसको ओमिट करना पड़ेगा हमें, यहां पे जो भी नंबर आया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां पे इनमें से कोई तो भी एक लेटर, कोई एक भी एक डिजिट आ जाएगा, तो मेरे पास 6 डिजिट थे, उसमें से 1 डिजिट यहां पे आया, कितने बचे अपने पास, 5, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई तो भी यहां पे आ जाएगा, विच इज 5P1, 5 डिजिट्स 1 प्लेस, 5P1, यहां पे 1 डिजिट ऑक्यूपाई हो गया, बचे कितने डिजिट्स मेरे पास, टोटल डिजिट्स कितने थे मेरे पास, 6 में से 1 यहां पे गया, बचे कितने, 5, तो ये 2 places 5 डिजिट्स है मेरे पास, एंड 2 places है मेरे पास, कैसी होगी अरेंजमेंट, 5P2, इसकी आदत लगाओ थोड़ी सी, ये इंटर ये सीए फाउंडेशन में बहुत काम आए,
5P1 वैसे तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो तुम कोई भी वे से सॉल्व कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल ये थोड़ा स्मार्ट वे है. ऑलराइट, तो कितना हो गया फिर ये 5P1 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 5P2 इज व्हाट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल व्हिच इज हाउ मच 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आया ये 5 into 4 factorial upon 4 factorial 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial कितना आया ये 100. How much is the answer? 100. चेक करो. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा अपना, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. दो चैप्टर्स है, परमिटेशन एंड प्रोबेबिलिटी भी शायद से तुम लोगों को. हाँ, ये दो चैप्टर्स अपन ऐसे ही लेंगे, ठीक है, मतलब आगे पीछे लेंगे. परमिटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करने के बाद मैं तुरंत प्रोबेबिलिटी लेने वाली हूँ. तो दो चैप्टर्स जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है. चलो, लेट्स स्टॉप हियर देन, कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास.